आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज और दो हरी मिर्च है, दो मीडियम साइज के टमाटर हैं, एक शिमला मिर्च है। ये देखिए शिमला मिर्च को हमने काट लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को इस तरह से काट लेते हैं। एक साथ पकड़ के छोटा छोटा कर लेते हैं। दूसरा वाला भी इसी तरह काट लेते हैं। अब इसको एक साथ पकड़ लेते हैं सारा और काट लेते हैं। ये हरी मिर्च है दो, इसको हमने बीच से फाड़ लिया था पहले से ही, अब इन दोनों को एक साथ काट लेते हैं छोटा छोटा, बहुत एकदम बारीक। अदरक को भी हम काट लेते हैं। बहुत बारीक ही काटना है हमें इसे, इसे भी इस तरह से काट लेते हैं। प्याज को भी इसी तरह हम काट लेते हैं। बहुत बारीक काटना है हमें। ये टमाटर अब ले लिए हैं, इसका जो ये आईज है इसको हम सबसे पहले निकाल देते हैं काट के दोनों का। इस तरह से भी हम काट लेते हैं। इसी तरह से हमें सारे काट लेने हैं, बहुत छोटे छोटे कर लेने हैं पीस। सारी सब्जियां काट के हमने तैयार कर लिया है। ये 50 ग्राम के लगभग ये पनीर है, अब इसको हम घिस लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है, अब ये घिसने के लिए हमने ले लिया है। तो ये देखिए ये जो पतले वाले होते हैं इससे ना घिसे, ये जो मोटा है इसी तरफ से हमें घिसना है, बहुत पतला नहीं करना हमें, इसे हम घिस लेते हैं। अगर घिस ना पाए तो आप जो है हाथ से मसल दें से तो भी हो जाएगा काम। इसी तरह से ये मोटे मोटे हमें घिसने हैं। पनीर को हमने घिस लिया है, ये देखिए। सबसे पहले एक हमने पैन ले लिया है, ये गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें हम जो है 2 चम्मच के लगभग इसमें तेल डाल देते हैं। इसको गर्म हो जाने देते हैं। जीरे को जो है अच्छे से तड़क जाने देते हैं, इस तरह से देखिए तड़क जाए अच्छे से। अब इसमें हम सबसे पहले हरी मिर्च डाल देते हैं और साथ साथ में प्याज भी डाल देते हैं। इसे हमें तेज आंच में भूनना है। अब इसमें हम अदरक डाल देते हैं।
और इसे हमें तेज आंच पे ही भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को हमें जो है पकाना नहीं है, बस थोड़ी से हमें भूनना है, इसको हमें क्रंच करना है, क्रंची करना है। हमने शिमले मिर्च को डाल के भून लिया है तेज आंच पे। अब इसमें हरी मटर है थोड़ा सा है, इसको डाल देते हैं। ये मटर को हमने उबाल के रख लिया था पहले से, इसको डाल देते हैं, इसको भून लेते हैं तेज आंच पे। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, क्योंकि मटर तो उबला हुआ था तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, तो हम टमाटर को भी डाल देते हैं। अब इसे हम तेज आंच पे इसे जो है अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, ताकि जो टमाटर है अच्छे से पक जाए जल्दी से। इसको हम भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट में टमाटर भूनते हो गया है तेज आंच पे। अब इसमें हम एक चम्मच जो है धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हमें जीरा पाउडर डालना है। अब इसको हम तेज आंच से चला लेते हैं। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकने देते हैं इसी तरह से तेज आंच पे। अब इसमें हम आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च अपने हिसाब से डालें, कम ज्यादा, जैसे बच्चों को अगर खाना हो तो कम डालें। तो देखिए हमने तेज आंच पे भूनते भूनते टमाटर को पका लिए हैं, अच्छे से भी पक गया है। बस अब हमें इतना ही इसे पकाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पनीर डाल देते हैं। पनीर को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जो है 2 से 3 मिनट बस इतना ही हमें जो है चला के पका लेना है, बस इतना ही। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर पकने के लिए बस 3 से 4 मिनट बहुत मतलब इतना बहुत है, उससे ज्यादा अगर आप पकाते हैं तो पनीर जो है क्या होगा कि टाइट हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है पनीर, तो इसलिए बस इतना ही हमें भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गया हमें भूनते। थोड़ा सा लास्ट में हम गरम मसाला डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, आधा चम्मच के लगभग डाल रहे हैं गरम मसाला इसमें। इसको चला देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ करते हैं और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं। पनीर भुर्जी के साथ खाने के लिए आप चाहे पूड़ी या रोटी या पराठा किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी होता है इस तरह से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।